हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम जायका में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हो गई एक नई रेसिपी के साथ जो बहुत ही टेस्टी है। ये बच्चों को, बड़ों को और सबसे बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो हम बनाने जा रहे हैं स्नैक्स, अंडे आलूओं के पकौड़े, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलें शुरू करते हैं। अंडे आलू की पकौड़ी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 9 छोटे बड़े मिला के ये आलू, जिसको मैंने बॉईल कर लिए, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये मैंने 5 अंडे बॉईल कर लिए हैं, जिसको मैंने हाफ हाफ करके काट लिया है। तो सबसे पहले हम आलूओं को रेतने जा रहे हैं। मैंने सारे आलूओं को एक एक करके रेत लिया है। अब आप देख सकते हैं ये मेरा लास्ट वाला भी हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैंने आलूओं को रेत के रख लिया है। अब मैं जा रही हूँ बेसन को फेंटने। तो सबसे पहले मैं इसमें डालने जा रही हूँ 2 चम्मच अजवाइन, ये चले गए। अब दूसरा इंग्रेडिएंट 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, ये भी इसमें सब चले गए। 1/2 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्चे हैं और 1/2 टीस्पून मीठा सोडा है, ये सब भी इसमें चले गए। इन चीज़ों को हम सूखा ही कर लेते हैं पहले मिक्स। ये सारी चीज़ें मेरी अच्छे से मिक्स हो गई हैं सूखे में। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी को शामिल करने जा रही हूँ। पानी को डालते जाएंगे, फेंटते जाएंगे, डालते जाएंगे और फेंटते। मैंने पानी को डाल डाल के बेसन को बहुत अच्छे से मसालों के साथ फेंट लिया है। अब आप देख सकते हैं इसमें किसी तरह के कोई लम्स नहीं रह गए हैं। इसकी थिकनेस आप लोग देख सकते हैं, मुझे ऐसा ही चाहिए था, ऐसा ही ये होता है। चलें अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैंने अपनी इंडक्शन को ऑन करके उस पर पैन रख दिया है। इसमें 1 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं जा रही हूँ अपनी 2 प्याज, जिसको ऑमलेट कट, और इसमें 4 हरी मिर्ची, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, ये सब जा रहे हैं। अब इसको हमको पिंक कलर तक फ्राई करना है, तब हम आपको दिखाते हैं। मेरी प्याज लाइट पिंक कलर की हो चुकी है, मुझे इतना ही करना था, मैंने कर लिया। प्याजों को लाल करने का मकसद ये होता है कि प्याज और जो मिर्ची है वो सॉफ्ट हो जाती है, अच्छी लगती है। मैंने जो अपने आलुओं को रेता है उसमें अब मैं डालने जा रही हूँ 1 कटोरी हरा धनिया, ये जो बारीक बारीक कटी हुई है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जा रहे हैं जो कुछ यूं हैं। ये है 1/2 टीस्पून होममेड चाट मसाला, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून सोंठ पाउडर यानी अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून नमक है जो काला और सफ़ेद मिला हुआ है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है, ये सब इसमें जा रहे हैं। अब हम सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ इसमें जो मैंने प्याज और हरी मिर्चों को पिंक किया था, फ्राई किया था, मैं इसमें डालने जा रही हूँ। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम करेंगे मिक्स। मेरे आलूओं के साथ जितने भी मसाले मैंने डाले थे बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मैं चलती हूँ अंडे को इसमें पकौड़े में एक साथ आलूओं के साथ करने। तो मैंने ये आलू ले लिए हैं, इसको आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें मैंने अंडे डाल दिए हैं। अब आप लोग देख सकते हैं अंडों को मुझे इसके अंदर कवर करना है, इन्हीं आलूओं के अंदर। आप इसका शेप लंबा गोल जैसे आपकी मर्जी वैसे आप इसको बना सकते हैं। मैं बना के आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से हम सारे अपने अंडों को आलूओं के साथ बना लेंगे।
ये मेरे दूसरे वाले भी तैयार हो गए। अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खुशबूएं आ रही हैं, बहुत ही ख़तरनाक सी। ये आप लोग देख सकते हैं एक एक करके मैंने सारे इसको मैंने अंडे आलू के पकौड़े को मैंने बना लिया है। इसको आप अंडे और आलू के कटलेट भी कह सकते हैं, देखने में बिल्कुल ये कटलेट ही लगता है। और ये तीन अंडे मैंने छोड़ दिए हैं, इसको भी मैं बताऊंगी। इसको सिर्फ बेसन में छानना है। मैंने अपनी गैस को ऑन कर लिया है और इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने आलू और अंडों को जो मैंने बनाए हैं उसको फ्राई करने। तो हम एक एक करके इसमें डाल रहे हैं। मैंने इसको बेसन में डिप कर दिया है। आपके पैन में जितनी जगह हो उतना ही डालिएगा इसको। इसको गैपिंग पे डाला जाता है। थोड़े से मैं ऊपर से भी इसमें ऑयलिंग कर रही हूँ। अब मैं इसकी साइडों को जा रही हूँ चेंज करने। मैंने इसकी साइडों को चेंज कर दिया है। अब इस तरफ से इसको भी फ्राई करेंगे हम। देख सकते हैं आप कितनी खुश हो रही हैं कि आप मुझे बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हैं। मेरी अंडे आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं अब मैं इसे निकालने जा रही हूँ। अब मैं दोबारा फिर उसी तरह से डालने जा रही हूँ। मैंने अपने अंडे आलू को सारे फ्राई कर लिया है मैंने। अब आप लोग देख सकते हैं अब मेरे तीन अंडे बचे हैं कटे हुए, उसको भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरे तीन अंडे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं प्लेन बेसन में इसको फ्राई करने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे कुछ बड़े बहुत से लोग आलूओं के साथ नहीं पसंद करेंगे। तो आप बहुत ही आसानी से बस बेसन में डिप कर करके इसको ऐसे ही फ्राई कर देंगी। ये भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने अंडे और आलूओं के कटलेट तैयार कर लिए हैं। इधर मैंने अंडा बेसन के साथ फ्राई करके रख दिया है। मेरी चटनियाँ भी रेडी हैं, जो मेरी इमली की चटनी है, धनी और पुदीने की चटनी है, ये मेरी सब होममेड है। और अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी रेसिपी बनाती रहूँ, तो इसके लिए आपको मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। और इसके पहले मैंने आलूओं की दो रेसिपी बनाई है जिसको मैंने डाल रखी है, आप मेरे आई बटन पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम खाकर भी बताते हैं ये लग कैसा रहा है। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह। अब मैं जा रही हूँ अंडे और बेसन वाली सिंपल वाली खाने, इसको भी मैं बताती हूँ। मैं बता नहीं सकती हूँ कितना टेस्टी है ये, बहुत ज्यादा ये टेस्टी है। बच्चों को तो बेहद पसंद आएगी ये, जो सिंपल वाली है ना, ये फटाफट बनने वाली है, ये बेहद पसंद आएगी। बच्चे रोज आपसे मांग के खाएंगे। तो चले जाएं, जल्दी जल्दी बनाएं, एंजॉय करें। मैं फिर मिलूंगी आप लोगों को एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा